हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बनाने लगे हैं ओट्स मील, और उसके लिए हमने बहुत ही कम ऑयल डालने के बाद राई डाली है और सरसों डाली है। राई दोनों तरह की है, लाल भी है और काली पीली भी है। और अब इसमें प्याज डालेंगे, कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च। सिर्फ सॉटे करना है इसको, ट्रांसपेरेंट करना है, जस्ट ट्रांस। हल्का सा सॉटे करने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ही इजी रेसिपी है और कैसे बनेगा। और ये है हमारी अन्नदाता, ये तरला दलाल डुप्लीकेट टू, ये हमारी कुक, बहुत अच्छा बनाती है। राज, इसका नाम है राज, बहुत अच्छा बनाती है। लो जी, तब तक हमारे ये ट्रांसपेरेंट भी हो गए प्याज, अब और कर लेते हैं, थोड़े से और करते हैं ताकि कच्चे कच्चे ना लगे हमें। और साथ में ही आपका वेलकम है इस किचन में, जो टैंगी, स्वीटन, सॉल्टी, सब तरह के फ्लेवर आपको देता है। और ये हो गया हमारा सॉटे, अनियन सॉटे हो गया। हम इस बॉल में, एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद, ठंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे ये ओट्स, जो हमने पहले ही नमक डाल के बॉईल करके रखे हुए हैं। इसमें ओट्स डालेंगे और साथ में डालेंगे काली मिर्च, आधी ही डालनी है, जितनी कटोरी में है उसमें आधी ही डालेंगे हम। और साथ में हम डालेंगे कर्ड, दही इतना डालना है कि ये सारे उसमें भीग जाएं, गिले गिले हो जाएं बारिश की तरह। और नमक हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए और कुछ नहीं डालना। ये 2 चम्मच हमने ये चिया सीड्स ओवरनाइट भिगो के रखे हुए हैं और इनको इसी में मिक्स कर देना है हमने। ये 2 चम्मच हम चिया सीड्स इसी में डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे ये डीसीडेड किए हुए अनार के दाने। और ये हमारा क्या हो गया, ओट मील तैयार हो गया। डिनर में, ब्रेकफास्ट में, किसी में भी हम ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़े से खाएंगे, मज़े से खाएंगे। और ये है हमारा अच्छा सा ओट मील। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सजेस्ट करें कि क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।